प्रभु राजभवन पधारे, विश्वामित्र नाम के एक मुनि आते हैं। जब जब विश्वामित्र जी यज्ञ आदि करते हैं, मारिच सुबाहु का उनको डर रहता है और विश्वामित्र जी मननशील महापुरुष होने के कारण उनको समझ में आ गया कि हरि बिनु मर ही ननीशी चर पापे। वैसे भी विश्वामित्र जी 60,000 वर्ष तप कर चुके हैं, पुरुषार्थवादी है। जब वशिष्ठ जी का ब्रह्म तेज उन्होंने देखा, प्रभावित हुए, तब विश्वामित्र जी ने निर्णय किया था कि मैं भी ब्राह्मण बनूं और इसी जन्म में। वो कभी ये नहीं सोचते कि अगले जन्म में ब्राह्मण बनूं, ऐसा कुछ करूं। यही पुरुषार्थवाद है। इसी जन्म में 60,000 वर्ष तप किया। जहां जहां पुराणों में हजारों वर्ष की बात है, 60,000 वर्ष, ये अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में इनको देखा जाए, मतलब कि खूब बहुत 60,000 बार जन्म लेकर भी हम लोग जितना तप नहीं कर सकते, उतना तप किसी महापुरुष ने कर लिया तो उसको भी 60,000 वर्ष कहते हैं। कभी कभी कष्ट में एक दिन आपका बीते तो आपको लगता है कि एक वर्ष बीता, और आप कहोगे कि एक युग जैसा लगा, एक दिन तो मेरे को एक युग जैसा लगा। तो एक युग तो नहीं गया, तो एक भाषा है। उसी प्रकार 60,000 वर्ष तक किया और ब्रह्म ऋषि बने, लेकिन उसके बाद भी विश्वामित्र जी को ये बात समझ में आ गई कि जब तक ब्रह्म का अनुभव ना हो तब तक मैं ब्राह्मण कहलाऊं, मैं ब्रह्मर्षि कहलाऊं, ठीक है, लेकिन मेरा लक्ष्य तो यह है कि मुझे ब्रह्म का अनुभव। और जब तक ब्रह्म का अनुभव नहीं होता तब तक फिर से मारिच सुबाहु उत्पन्न हो जाएंगे। मारिच सुबाहु को मैं श्राप भी दे दूं, मैं बेहोश भी कर दूं, लेकिन मेरे अंदर फिर से मारिच सुबाहु राग द्वेष क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। प्रभु को लेने गए अयोध्या और राजभवन में प्रवेश हुआ। महाराज ने स्वागत किया, पूछा यही कारण आगमन तुम्हारा? और विश्वामित्र जी ने जब कहा कि मुझे एक भाई सहित राम चाहिए, दशरथ जी व्याकुल हो गए। महाराज विश्वामित्र जी को कहते हैं कि आप ब्राह्मण तो बन गए लेकिन विचार पूर्वक बात नहीं करते, विप्रवचन नहीं कहे वो विचारे, विप्र में विचार होना ही चाहिए, क्योंकि विप्र वो होता है जिनको ग्रंथों का अभ्यास होता है, वो हर बात में ग्रंथ को लेकर के सोचेगा ना विचार पूर्वक। विप्रवचन नहीं कहे वो विचार। विश्वामित्र जी को ऐसा कहना बड़ा खतरा था। 60,000 वर्ष तप करके जो महापुरुष आया श्राप दे देते, लेकिन महाराज को श्राप का डर नहीं है। जिनको राम मिल जाता है उसको अभय पद भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए अब जीवन रहे न रहे लक्ष्य मिल गया, अब क्या मतलब। लेकिन विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं हुआ, विश्वामित्र जी को जवाब मिल गया। उनके मन में एक सवाल था कि जंगल में गया, गुफा में रहा, फिर भी जो ब्रह्म तत्व मेरे हाथ नहीं लगा, वो परमात्मा, वो तत्व एक राजा को घर बैठे कैसे मिल गया? महल में रहते हुए, राज करते हुए, गृहस्थी में रहते हुए इसका जवाब मिल गया। जब दशरथ जी ने यह कहा कि मैं प्राण दे सकता हूं, राम नहीं दे सकता, दो दो अक्षर वाली बहुत सारी चीजें बताई है। यहाँ पर दशरथ जी ने कहा कि भूमि मांगो, धन मांगो, गाय मांगो, मैं अपना तन दे सकता हूं, आपको मन दे सकता हूं, प्राण दे सकता हूं, राम देत नहीं बने ही को सकता। आप राज ले लो मेरा, सत्ता लो लो मेरी, ये सारी दो दो अक्षर की चीज है, मैं देने को तैयार हूं,
लेकिन दो अक्षर वाला एक राम नहीं, राम देत नहीं बने। विश्वामित्र जी को जवाब मिल गया कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम घर में रहते हैं कि जंगल में, स्थान महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि जिसको प्राण से भी अधिक प्रिय परमात्मा हो तो भगवान उसकी गोदी में आने के लिए तैयार हो सकता है। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज को राम लक्ष्मण दे दो। महाराज ने राम लक्ष्मण सौंप दिए। विश्वामित्र जी उनको लेकर अपने आश्रम की ओर जाते हैं। मार्ग में ताड़का का वध प्रभु ने किया, यज्ञ रक्षा के समय मारीच और सुबाहु का भगवान ने उद्धार किया और वहां से आगे अहल्या का उद्धार करके प्रभु जनकपुर पहुंचे। और जनकपुर में जब महाराज ने, जनक जी ने राम जी को देखा, उनको अंदाज आ गया था कि ये मनुष्य नहीं। उस पर विश्वामित्र जी ने कृपा पूर्वक थोड़ा सहयोग कर दिया कि ये वही है। राजभवन में ले गए निवास के लिए। दूसरे दिन प्रभु जाते हैं पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए। श्री सीता जी वहां पर आती हैं भवानी की पूजा के लिए और एक सखी बाग देखने को गई और राम जी को देख लिया और आकर बताया सीता जी प्रभु दर्शन के लिए गई और भगवान लता मंडप में थे। यहाँ वैचारिक मिलन है सीता जी और राम जी का, क्योंकि वैचारिक मिलन न हुआ हो और विवाह हो जाए तो वो विवाह कब तक टिकेगा ये भी कोई निश्चित नहीं रहता, इसलिए वैचारिक विवाह महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जैसे कि महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा थी, बहुत सारे राजा महाराजा वहां पर आए थे और धनुष तोड़ने की सबने कोशिश की, नहीं तोड़ पाए। आखिर विश्वामित्र जी ने जब भगवान को आज्ञा दी, उठो राम बन के अनुसार राम जी उठे हैं, धनुष की ओर गए। सारे जनकपुर वासी अपने अपने इष्ट को प्रार्थना करने लगे। श्री सीता जी भी माँ भवानी को, भगवान सूर्यदेव को, गणेश को प्रार्थना करती है और राम जी धनुष के पास पहुंचे, भगवान शिव का स्मरण करके जब धनुष की ओर ताका, उसी समय धनुष हिल गया, ऊंचा हुआ और इतना प्रकाश हुआ, भगवान ने उसी समय धनुष को बिल्कुल मध्य भाग से धनुष को तोड़ा और जगत में प्रभु की जय जयकार हुई। बोले राम चंद्र भगवान। और उसके बाद श्री परशुराम जी आते हैं। राम जी और परशुराम जी का शाब्दिक युद्ध हुआ है, शस्त्रों से नहीं। और राम जी युद्ध चाहते नहीं थे, परशुराम जी चाहते थे, क्योंकि युद्ध में मार दे तो ब्रह्म हत्या लगे राम जी को और न मारे तो राम जी को हारना परशुराम जी के सामने मंजूर नहीं था। भगवान भक्तों के आगे हारना पसंद करते हैं, तपस्वियों के सामने नहीं, विद्वानों के सामने नहीं। इसलिए शाब्दिक युद्ध किया और उसमें परशुराम जी पराजित हुए और समर्पित हो गए। राम और परशुराम जी चले गए हैं जंगल में भजन करने के लिए। महाराज दशरथ जी पूरा समाज लेकर आते हैं और विधिवत विवाह यहाँ चारों भाइयों का होता है, क्योंकि जब राम विवाह हुआ उसके बाद जनक जी ने राम जी को पूछा कि अब आप दामाद हैं, मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ जो आपको बहुत पसंद हो, मुझसे मांगिए। तो राम जी ने कहा कि अयोध्या से मेरी उम्र के जितने भी युवक बारात में आए हैं उन सब का विवाह जनकपुर में करा दो, ये राम जी ने मांगा था। तो चार विवाह नहीं है, हजारों विवाह हुए हैं। चार इसीलिए कहा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र उन सभी का विवाह, सामूहिक विवाह। और
महाराज दशरथ जी अपना समाज लेकर अयोध्या पहुँचते हैं। सारी लौकिक विधि संपन्न होती है। गोस्वामी जी बालकांड की समाप्ति करते हैं।